दोस्तों, अगर आप भी राहुल त्रिपाठी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार तरीके से खेला जा रहा है, जिसमें आईपीएल का 25वां मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से हुआ और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने खतरनाक प्रदर्शन किया है। लेकिन एक टीम को जीत तो वहीं दूसरी टीम को हार का सामना तो करना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सुनील नारायण और आंद्रे रसेल में से कौन है बेहतर ऑलराउंडर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 25वां मुकाबला दो खतरनाक टीम हैदराबाद और कोलकाता के बीच में खेला गया, जिसमें हैदराबाद की कप्तानी केन विलियमसन ने की तो वहीं कोलकाता की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने की। और सबसे पहले हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और अपनी टीम में मात्र एक बदलाव किया, तो वहीं कोलकाता की टीम ने तीन बदलाव किए। और बल्लेबाजी के लिए कोलकाता की टीम की तरफ से सबसे पहले पारी की शुरुआत करने के लिए आए एरोन फिंच और वेंकटेश अय्यर, जिसमें एरोन फिंच अपना पहला आईपीएल मुकाबला इस साल का खेल रहे हैं और ये उनकी नवीं आईपीएल टीम है। तो वहीं इनसे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा रही थी, तो दूसरी तरफ वेंकटेश से भी एक खतरनाक बल्लेबाजी की उम्मीद की गई थी और एरोन फिंच ने पहले ही ओवर में अपने तेवर दिखाते हुए छक्के के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन अगली गेंद पर एरोन फिंच 5 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 7 रन बनाकर मार्को यानसेन के शिकार हो गए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आए और कोलकाता की टीम को 5 ओवर में नटराजन के हाथों बहुत ही बड़ा झटका लगा। पहले वेंकटेश अय्यर 13 गेंदों पर एक चौके की मदद से 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए सुनील नारायण आए और सुनील नारायण पहली गेंद पर छक्का लगाकर इसी ओवर में 6 रन बनाकर आउट हुए और टीम के एक ओवर में ही 2 विकेट गिर गए। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए नितेश राणा आए और उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर साझेदारी बनाने की कोशिश करी। लेकिन 10वें ओवर में उमरान मलिक ने 25 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 28 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शेल्डन जैक्सन आए और 13वें ओवर में उमरान मलिक ने जैक्सन को भी 7 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 7 रन बनाकर आउट कर दिया और कोलकाता की आधी टीम पवेलियन लौट गई। तो वहीं 15वें ओवर में नितेश राणा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम ने 16 ओवर तक 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। जिसके बाद 18वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे नितेश राणा 36 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 54 रन बनाकर नटराजन के शिकार हो गए। तो वहीं 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने पैट कमिंस को 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट कर दिया। इसके बाद 20वें ओवर में जगदेश सुचित ने अमान खान को 3 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाकर आउट किया और अंतिम 3 गेंदों पर आंद्रे रसेल ने 16 रन बटोर लिए और रसेल की 25 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 49 रनों की पारी की बदौलत कोलकाता की टीम ने 175 रन 8 विकेट पर बना दिए थे और अंतिम 5 ओवर में कोलकाता की टीम ने 55 रन बटोरे हैं। तो वहीं हैदराबाद की तरफ से नटराजन ने 3, उमरान मलिक ने 2, भुवनेश्वर कुमार, मार्को जानसेन और जगदीश सुचित को 1-1 विकेट हासिल हुआ। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए हैदराबाद की टीम की तरफ से 176 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी हैदराबाद के सलामी जोड़ी केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा आए और दूसरे ओवर में पैट कमिंस ने दबाव में बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को 10 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर ही आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी आए, जिनसे बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी की उम्मीद की जाती है। तो वहीं केन विलियमसन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करने की कोशिश की और पावर प्ले के अंतिम ओवर में आंद्रे रसेल ने केन विलियमसन को 16 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 17 रन बनाने के बाद आउट कर दिया और पावर प्ले में हैदराबाद की टीम ने 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन पावर प्ले के समाप्त होने के बाद राहुल त्रिपाठी ने अपना रौद्र रूप अपना लिया, जिसमें 7वें ओवर में अमान खान को एक छक्का चौका जड़ते हुए 13 रन जड़ दिए और इसके बाद 8वें ओवर में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को 2 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए 18 रन उड़ा दिए और इसी के साथ 21 गेंदों पर 10वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और बेहतर बल्लेबाजी लगातार करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी तरफ एडन मार्क्रम भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें 14वें ओवर में उमेश यादव को लगातार 3 चौके जड़े। तो वहीं राहुल त्रिपाठी भी लगातार बहुत ही तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 15वें ओवर में आंद्रे रसेल ने छक्का खाया और वापसी करते हुए अगली गेंद पर राहुल त्रिपाठी को 37 गेंदों पर 4 चौके और 6 छक्के
की मदद से 71 रन बनाकर आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए निकोलस पोरन आए, लेकिन अब मुकाबला हैदराबाद के पक्ष में आ गया था क्योंकि जीत के लिए अब 24 गेंदों पर 24 रनों की ही आवश्यकता थी और 17वें ओवर में मार्करम ने अपना अर्धशतक भी जड़ दिया। तो वहीं हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को जल्दी समाप्त करने के इरादे से आई थी और उन्होंने मुकाबला 18वें ओवर में एक चौके और दो छक्के लगाकर 13 गेंद पहले ही समाप्त कर दिया और एडन मार्करम ने 36 गेंदों पर 68 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 विकेट से इस मुकाबले में जीत हासिल की। दोस्तों, इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी का लगा है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।